السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरा कौली सलात तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ान का आज 20वां रोज़ है और तफसीर कुरान का 20वां सबक है। कल आपने ये समात फरमाया कि जिन लोगों ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को हिफ्ज किया और अपने दिलो दिमाग में बसाया, उन लोगों का दर्जा और उन लोगों का मकाम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बहुत ऊंचा है और अल्लाह तबारक व ताला उनको अपने बारगाह के मुकर्रबीन में शुमार करता है। और हुजूर अकरम अली सलातो तस्लीम ने इशारा फरमाया कि अशरफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत में ज़्यादा इज्जत व शराफत वाले वो लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद को उठाया यानी उसको हिफ्ज किया। और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा कि खैरुन नास अक्रअहुम लिल कुरान, के लोगों में बेहतर वो होता है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ज़्यादा याद होता है। तो जितना ज़्यादा कुरान याद हो वो अल्लाह के नज़दीक उतना ही ज़्यादा फजीलत वाला होता है। इस वजह से हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने गज़वे उहूद के मौके से जिन शहदा को दफन किया गया तो एक कब्र में कई को दफन किया गया तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम ये फरमाते थे कि इनमें कुरान का ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है, कुरान का अकरा कौन है, जो हो उसको आगे रखा जाए। तो फजीलत के एतबार से दफन करने में भी उनको आगे रखा गया और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद यह इशारा फरमा कि जो तुम में अकरा हो वो तुम्हारा इमाम होगा। कि कुरान ज़्यादा पढ़ता हो या कुरान का ज़्यादा नॉलेज जिसके पास में हो तो वो तुम्हारा इमाम होगा। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम मुर्दों में भी जिसको आगे कर रहे हैं वहाँ कुरान का लिहाज फरमा रहे हैं, मुसल्ले पर जिसको आगे जाने के लिए कह रहे हैं उसमें भी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम कुरान ही को आगे कर रहे हैं, कुरान ही की रियायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुसलमान का सबसे बड़ा इमाम ये हमारा कुरान है और कुरान से जिसका रिश्ता जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो भी इमामत में उसी कदर हम लोगों के लिए फजीलत रखेगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा के कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। और उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के सिफात बयान फरमाए हैं कुरान में कि या अय्युहन्नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कि ए लोगो, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो तुम्हारे लिए नसीहत है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नसीहत बन के तुम्हारे पास में आया है। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस्सुदूर, और जो तुम्हारे दिलों में है
उसके लिए शिफा बन के आया है, वह हुदा व रहमतुल लिल मोमिनीन, और वो हिदायत और ईमान वालों के लिए रहमत बन के आया है। तो अल्लाह ने कुरान पाक की एक साथ में चार सिफात का यहां जिक्र फरमाया कि कुरान तुम्हारे लिए हिदायत और मौइज़त, नसीहत की किताब है, रब की नसीहत की किताब है, और तुम्हारे दिलों के लिए शिफा बन के आया है, और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हिदायत बन के आया है, और ईमान वालों के लिए रहमत बन के आया है। और उसके बाद अल्लाह ने फरमा कि कुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर लोगों को खुशी मनानी चाहिए, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, के वो जो कुछ इकट्ठा करेंगे उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। वखरू में माजमा, इस पर खुशी मनाना सब कुछ इकट्ठा करने से बेहतर है। तो इसके बारे में जो तफसीली रिवायतें हैं वो ये है कि अल्लाह के फजल से मुराद इस्लाम है, और अल्लाह की रहमत से मुराद कुरान है, किताबुल्लाह, कि अल्लाह ने सबसे बड़ा फजल तुम लोगों पर जो किया है वो इस्लाम देकर के किया है, कि इस्लाम की वजह से ही सारी भलाइयां तुम्हारे पास में आती हैं, और वो ना हो तो पूरी दुनिया तुम्हें मिल जाए मगर अल्लाह के नजदीक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जहन्नम के। तो सबसे बड़ा इनाम इस दुनिया में रूहानी तौर पर अल्लाह ने हम लोगों पर जो फरमाया है वो दीन इस्लाम है, कि उसकी वजह से अल्लाह ताला हमको इतना उठाता है कि एक आदमी चाहे कितना गुनहगार सही और कितना ही यानी जलील व ख्वार सही, मगर वो कलमा पढ़ता है तो फौरन ही इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, अब आने वाली जिंदगी को दुरुस्त बना के रखना, और फौरन ही उसको जन्नत की बशारत मिल जाती है कि मोमिन है तो जन्नती है, चाहे फौरन जाए चाहे आमल की सजा भुगतने के बाद, मगर मोमिन है तो जन्नती है। तो इस्लाम ने हमें क्या फैज दिया कि जैसे ही हमने कलमा पढ़ा तो ये बशारत मिल गई कि सारे पिछले गुनाह माफ, चाहे कितना ही बड़ा गुनाह किया हो सब माफ। और उसके बाद में कहा कि आप तो ऐसे पाक हो गया जैसे अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, यानी दुनिया में अभी आया है, तेरा कोई गुनाह ही नहीं है। वो अल्लाह मैंने तो लाखों लाख गुनाह किए, कहा कुछ भी हो इस्लाम कबूल कर लिया ना तो मैं तेरे सारे गुनाह को माफ कर दिया, सब गुना निकल गए और ऐसे मुझे पाक कर दिया जैसे अभी मैं अपनी मां के पेट से पैदा हुआ और मेरा कोई गुना है ही नहीं। ये इस्लाम का फैजान है कि कबूल करते ही आपका दर्जा इतना ऊंचा कर दिया जाता है और फौरन पाबंदी लगा दी जाती कि ये मुसलमान है, उसके जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत करना, इसकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत तुम्हारे लिए मुकद्दस शहर से मक्का मुअज्जमा से भी ज्यादा बेहतर है, इसके जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा का तवाफ करते हुए ये कहा था हज्जतुल विदा में कि ए काबा तू बहुत मुअज्जम है, तेरी खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन याद रखना एक मर्द मोमिन का मकाम अल्लाह के नजदीक तुझसे ज्यादा है। और इसलिए हमारे फुकहा ने भी यही फैसला फरमा कि इमाम शाबी ने रद्दुल मुहतार में बतौर फतवा के लिखा हुआ है कि अल मोमिनो अफजलो इंदल्लाह मिनल किबला, कि मोमिन अल्लाह के नजदीक किबला से भी अफजल है। इसलिए अगर किसी को किबला और काबा लोग बोलते हैं कि हलो किबला हलो काबा, उर्दू में मुहावरे में इस्तेमाल होता है, तो ये बोलना शरअन गलत नहीं है, इस वजह से कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के दर्जे को अल्लाह के नजदीक किबला और काबा से भी अजीम करार दिया। और ये दर्जा मुझे किससे मिला कि मैं काबा से अजीम हो गया, मैं किबला से अजीम हो गया अल्लाह की बारगाह में? कहा ईमान की बुनियाद पर और इस्लाम की बुनियाद पर। तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा जो फजल हम लोगों के पास में है वो क्या है? इस्लाम। तो अल्लाह ने फरमा कि मैं वो कह दो लोगों से कि अल्लाह के फजल
और उसकी रहमत, और रहमत से मुराद क्या है तफसील में किया गया, किताबुल्लाह, अल्लाह की रहमत उसकी किताब है कि अल्लाह ने उसके जरिए से तुम पर रहम फरमाया कि मेरा बंदा मेरी रजा कैसे मालूम करेगा, तो मैं उसको किताब के जरिए से बता देता हूं, मेरे गजब से बचने का इलाज कहां से लाएगा, मैं अपनी किताब के जरिए से बता देता हूं। तो रब की रजा और उसकी नाराजगी, तो रजा का हुसूल हमारे लिए जरूरी है और नाराजगी से बचना जरूरी है, और ये दोनों को फाइन करना बड़ा मुश्किल था, तो अल्लाह ने हम लोगों पर रहम फरमाया कि बंदों के लिए आसान कर दिया कि अपनी किताब नाजिल करके दोनों चीजें हमारे सामने रखी कि लो इन इन चीजों को अपनाना तो रब राजी हो जाएगा, इन इनसे बच जाना तो रब की नाराजगी से अपने आप को बचा ले जाएगा। तो अल्लाह की बहुत बड़ी मर्जी अगर हमारे पास में है तो वो कौन सी चीज है, अल्लाह की किताब, तो इस्लाम और दूसरे नंबर पर अल्लाह की किताब, ये दोनों चीजें। तो हुजूर से कहा गया ऐलान करो लोगों में ताकि वो उसकी कीमत जान सके, उसकी कदर को पहचान सके कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस्लाम के मुकाबले में किसी और को तरजीह दे ले जाए या अल्लाह की किताब के मुकाबले में किसी और को फौकियत दे जाए, कि आदमी जब कीमत नहीं समझता है ना तो बड़ा धोखा खा जाता है, और जब कीमत समझता है ना तो फिर धोखा नहीं खाता है, वो अपने हिसाब से मुनाफा उसमें हासिल करता है। तो कीमत का समझना बहुत जरूरी होता है, और आजकल हम लोग ऐसा नहीं समझ पाते हैं ना, इसलिए कुछ लोग तो मजहबी होते हैं तो बिल्कुल मजहबी बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ लोग आवारा होते हैं तो मुसलमान होते होते बिल्कुल ही आवारा हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कि वो मुस्लिम है या काफिर है, किरदार से कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक बिल्कुल मजहबी बन गया है कि थोड़ा भी अपने अमल में कमी नहीं लाता है, और दूसरा इतना आवारा है कि कोई अमल करना ही नहीं चाहता है। फर्क क्यों हुआ? फर्क इसलिए हुआ कीमत नहीं जान सका है कि मेरे दीन की कीमत क्या है, मेरे रब की रजा की कीमत क्या है, अल्लाह ने जो मुकद्दस किताब मुझे अता फरमाई उसकी कीमत क्या है। तो हुजूर पाक अलैहि सलातो तस्लीम से अल्लाह ने ऐलान करने को कहा कि मेरे महबूब ऐलान कर दो। आदमी धोखा इसलिए खा जाता है कि उसको जब कीमत नहीं मालूम होती है ना तो अपनी कीमती चीज को मार्केट में जाके सस्ते में बेचकर नुकसान में चला जाता है। तो मुसलमान नुकसान में न जाए इसलिए आप उनके नजदीक इस्लाम और अल्लाह की किताब की कीमत का ऐलान कर दो ताकि उनको पता चले कि अल्लाह के दीन और उसकी किताब से वाबस्ता रहना यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो कीमत बताई गई कि कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल यानी इस्लाम, और अल्लाह की रहमत यानी कुरान, इस्लाम और कुरान इन दोनों पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लोगों को चाहिए कि अगर खुशी मनानी है किसी नेमत के हुसूल पर तो इन नेमतों के हुसूल पर खुशी मनाए। अगर तुम खुशी मनाना चाहते हो तो किस पर खुशी मनाए? इन पर खुशी मनाए। क्यों इन पर खुशी मनाए? इसलिए कि इस्लाम भी तुम्हें गुनाहों से पाक करके जन्नत तक तुम्हारी रहनुमाई करेगा और तुम्हारा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हलाक नहीं करेगा, जन्नत तक ले जाएगा सेफ तरीके पर, महफूज तरीके पर, वहां तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो खुशी तो इस पर होनी चाहिए, लेकिन यहां से लेके वहां तक मैं महफूज तरीके से अपने मकसद को पा सकूं तो इस पर खुशी मनानी चाहिए। और फरमा अल्लाह की किताब के रास्ता पाने के लिए, इस्लाम के जरिए से रास्ता पाने के लिए किताब चाहिए, तो अल्लाह ने वो इस्लाम की गाइड की किताब तुमको अता फरमा दी। तो अल्लाह की रजा के तरीके हमें उससे मिल जाते हैं, तो इस किताब पर तुम्हें खुशी मनानी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कुरान जैसी मुकद्दस किताब अता फरमाई। इन दोनों की कीमत के बराबर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, ना इस्लाम के बराबर कोई आप रिलीजन ला सकते हैं और न कुरान के बराबर कोई किताब ला सकते हैं। इन दो नेमतों से बड़ी कोई नेमत ही नहीं है। उसको समझाने के लिए हमारा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर के समझाया,
कि दुनिया में अगर रश करना हो यानी किसी की नेमत को देख करके उस तरह की नेमत को अपने लिए पाने की अगर ख्वाहिश करनी हो तो सिर्फ दो हैं, सिर्फ उनकी नेमत को पाने की कोशिश करो, बाकी किसी के पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा दौलत हो, ज्यादा मकान हो, देखने की जरूरत नहीं है। वो दुनिया है, वो मर जाएगा, उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, तो उस पर रश करने की जरूरत नहीं। वो मिट्टी है, वो मिट्टी की सूरतें बदली हुई है, और किसी के पास में वो ज्यादा हो गया, किसी के पास में कम हो गया, मगर ज्यादा होगा कम होगा, बहरहाल मरेगा तो वहां कुछ नहीं होगा, तो अंजाम तो एक ही है ना, है तब भी एक, नहीं है तब भी है। तो उस नेमत पर तुम क्या खुशी मनाओगे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ नहीं आएगी, यहां है तो यही रह जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी। तो फरमाओ, हमारे आका फरमाते रश करने की सिर्फ दो नेमतें हैं, उसके सिवा किसी तीसरे की तरफ तवज्जो मत करना। तो हुजूर फरमाते हैं, एक तो वो कि जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म दिया हो और वो रात दिन उस किताब को लेकर के कोशिश करता है, इबादत करता है, बंदगी करता है, तुम कैसी ऐसे आदमी को देखो तो अल्लाह की बारगाह में रश करो, मेरे मौला ऐसी नेमत तो मुझे भी अता फरमाना, इसलिए कि उसके पास में जो दौलत है और जो नेमत है खत्म नहीं हो जाएगी, वो बाकी रहने वाली नेमत है, वो आलम बरजख में भी काम आएगी और आलम आखिरत में भी काम आएगी, तो वही नेमत बेहतर है ना, साथ ही ना छोड़े, यहां भी साथ रहे, वहां भी साथ रहे, कहीं मेरा साथ ही ना छोड़े, वो नेमत नेमत कहलाती है। ये क्या दुनिया, ये क्या मकान, ये क्या दुनिया की प्रॉपर्टीज कि जो यहां तो रहती है, मैं मर जाऊंगा तो कुछ भी साथ में नहीं आएगा, तो वो रश करने की चीज नहीं है। बल्कि कुरान फरमाता है अलहाकुम तकाथुर, कि तुम्हें तो कसरतों ने गाफिल बना दिया, दुनिया के पीछे लग गए, गाफिल हो गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, तुम कब्र में पहुंच गए तो तुम तो दुनिया में चिल्ला रहे थे, ओ मेरे पास में इतनी दौलत है, इतने मकान, इतने ये है, इतने वो है, और उसके पीछे तू लगा रहा, आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं की, और कब्र में पहुंचा तो तेरे पास में कुछ भी नहीं था, अब आंख खुली तो तूने समझा यार मैं तो कब्र में चला आया, और मैं तो बहुत फख्र कर रहा था दुनिया की नेमतों पर, उनमें से एक भी मेरे साथ नहीं आई। हमारा कैसा फरमाते दिनार व तैसा दिरहम, दिरहम वो दिनार के जो बंदे हैं ना वो सब हलाक हो जाए, वो हलाक हो जाए, इसलिए कि पैसों की वजह से उसमें पड़ा है और रब को भूला हुआ। हाँ, पैसे हासिल कर, उससे इस्लाम रोकता नहीं है, मगर मेरी दौलत मेरे दीन के राह में रुकावट बन के आएगी तो मैं समझूंगा रहमत नहीं आई, अजाब आया। कि दुनिया की दौलत ये रहमत भी बन सकती है, अजाब भी बन सकता है, अगर वो मेरे पास में आए मैं दीन में आगे निकल जाऊं, मेरे पास में आए अल्लाह के दीन में देने में आगे निकल जाऊं, मेरी दौलत की वजह से अल्लाह के दीन को फरोख मिल जाए, मेरी दौलत की वजह से मेरे आमाल और मेरे किरदार के अंदर इजाफा हो जाए, मैं मजहबी बन जाऊं, तो मैं समझूंगा कि मेरे रब ने मुझ पर दोहरा करम किया है, मुझे दुनिया की दौलत से भी नवाजा है और मेरी आखिरत को भी अल्लाह ने आखिरत के अमल के जरिए से बना लिया है, ये शुक्र की बात। तो हुजूर ने फरमा के जिसको कुरान मिला उसको लेकर के रात दिन इबादत और बंदगी करता है, अगर ऐसे आदमी को देखो तो ख्वाहिश करना अल्लाह से, अल्लाह मुझे इस जैसा बना दे, इसलिए कि उसके पास में ऐसी नेमत है जो कभी छूटने वाली नहीं है, कब्र में भी काम आएगी, अशर में भी काम आएगी, और रब की रिजा तक आपको पहुंचा दे। फिर फरमा दूसरा वो आदमी कि जिसको अल्लाह ने दुनिया की दौलत से नवाजा, हुजूर ने दुनिया को भी शामिल किया उसमें, दुनिया की दौलत से जिसको नवाजा और वो अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में रातों दिन यूं खैरात करता है, यूं खैरात करता है, अपने पैसों से अल्लाह के दीन को फरोग देता है, लोगों की जरूरतों की तकमील करता है, अगर तुम ऐसे आदमी को देखो तो अल्लाह से तुम ख्वाहिश करना कि अल्लाह मुझे इस तरह से बना दे। बस दो ही आदमी है कि जिसको देख करके ख्वाहिश करना कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, उसमें कोई तीसरा आया नहीं ना आया। एक एक अल्लाह से वाबस्ता रहने वाले को बताया और एक दुनिया वाला मगर वो अपने पैसे को अल्लाह के दीन में लगाने वाला बताया, उसके अलावा कुछ नहीं। कि फना होने वाली दुनिया मैं कितना भी लेके मरूंगा, रख के मरूंगा, वो चला जाएगा, मेरे पास में नहीं आएगा। बल्कि खुद एक हदीस है रमजान के सिलसिले में, हुजूर पाक ने खुतबा दिया था ना, तो उस खुतबे में हुजूर ने फरमा कि तुम्हारे जो मरहूमीन है
वो वहां पहुंचने के बाद में तमन्ना करती, अल्लाह मुझे मौका दे दे मैं नमाज पढ़ूं, मुझे मौका दे दे मैं तेरी किताब की तिलावत करूं, मुझे मौका दे दे मैं तेरी राह में बंदगी और इबादत करूं। मगर हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे मरहूमीन की वो तमन्ना से तमन्ना रहती है, इसलिए कि वो दारुल जजा है, दारुल अमल नहीं है, उनको वहां अमल करने का मौका नहीं दिया जाता, वो कहते हैं फिर भी नहीं दिया जाता। लेकिन हुजूर फरमाते अभी तुम उस दुनिया में हो कि जिसमें तुम्हें कुरान पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, इबादत करनी हो तो कर सकते हो, बंदगी करनी हो तो कर सकते हो, अपने औकात अल्लाह के जिक्र में लगाने हो तो लगा सकते हो, इसलिए कि यह अमल की दुनिया है। यहां तुम्हें जो मोहलत मिली है अल्लाह के दीन का काम करने की मोहलत मिली है, तो आज तू ख्वाहिश करेगा तो उस ख्वाहिश को अपने अमल से पूरा कर सकेगा, लेकिन मरने के बाद में तू ख्वाहिश करेगा तो तेरी ख्वाहिश को पूरा न किया जाएगा। यहां पूरा करने के लिए रखा है तो यहां तू अगर गाफिल हो गया तो सब बर्बाद चला जाएगा। फिर फरमाते हैं कि रमजान का मुकद्दस महीना होता है, उसके जुमा का दिन होता है, तो वो तुम्हारे मरहूमीन की रूहें जो तुम्हारे घरों पे आती है, तुम्हारी छतों के ऊपर आकर के बैठती है और तुमसे ये कहती है कि ए वो लोगों कि जो हमसे गाफिल हो गए हो, हमें याद भी नहीं करते हो, हमें मुतलकन भूल गए हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे बनाए हुए घर में तुम रहते हो और हमारी जायदाद से तुमने हिस्सा लिया है, हमारा सब कुछ तुमने ले लिया और लेकर के तुम उसे इस्तेमाल कर रहे हो और हम वहां पहुंचे हैं और हमें जरूरत है तुम्हारे आमाल से हिस्सा लेने की और तुम हमें भूल गए हो। रमजान के खुतबे में हमारे आका ने इरशाद फरमाया था कि रूहें आती हैं और वो घर पे बैठ करके इस तरह से अफसोस के साथ में कहती हैं और चिल्लाती हैं, अगर कोई आदमी अपनी तरफ से ईसाले सवाब करके कोई तोहफा उनको देता है तब तो वो खुशी खुशी वहां से वापस जाती है, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो अफसोस के साथ में चली जाती है कि इनके लिए मैंने सब कुछ किया, अब मैं गया हूं और मुझे अमल की जरूरत है, मैं कर नहीं सकता और मैं इनसे मांगता हूं तो मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कल जाकर के तुम वहां अफसोस करो कि कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, इससे बेहतर है कि आज अल्लाह ने एक मुकद्दस जिंदगी अता फरमाई है जिसका हर लम्हा बड़ा कीमती है, उस कीमती लम्हात में अपनी जिंदगी की कदर कर लो, उसे लायानी और बेकार बातों से बचा करके जितना बन सके उतना ज्यादा अल्लाह के जिक्र है, उसकी इबादत है, उसकी बंदगी है, उसमें सर्फ करने की कोशिश करो कि ये ऐसी नेमतें हैं कि जो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। तो हुजूर से फरमा गया, हुजूर कह दो उनसे हो खैरुम मिम्मा यजमाउन, अगर तुम इस्लाम पर खुशी मनाओ बड़ी अच्छी बात है, मनाओ, दायमी नेमत है, छूटने वाली नहीं है। कुरान पर खुशी मनाओ कि अल्लाह ने मुकद्दस किताब दी, मनाओ, ये खुशी जो है वो दायमी खुशी है, खत्म होने वाली नहीं। हो खैरुम मिम्मा यजमाउन, दुनिया में तुम जो कुछ हासिल कर लो, जितना भी बसा लो, इवन कि तुम बादशाह बन जाओ और पूरी दुनिया पर कब्जा जमा लो, हो खैरुम मिम्मा यजमाउन, उन सब के इकट्ठा करने से बेहतर तुम्हारे लिए क्या है, इस्लाम पर खुशी मनाना और अल्लाह की किताब मिलने पर खुशी मनाना। अब अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी कीमत इसकी बताई ना, कि भाई इसकी कीमत कितनी ज्यादा है। उसमें 12 आपको मिसालों से बता चुका हूं, वो जो हजरत जुन्नुन मिस्री की अंगूठी का भी मैंने 12 आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई बेचने के लिए भेजा तो कहा कि चलो ये अंगूठी बेच देना और उससे रोटी खरीद के लाना। ये गया नान भाई के पास, रोटी पकाने वाले को क्या पता कि डायमंड किसे कहते हैं, हम लोगों के सामने डायमंड और कांच का टुकड़ा रखा जाए ना तो हम तो चमक देख करके कांच के टुकड़े को पसंद करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि भाई शॉप में जाते हैं ज्वेलरी की तो वहां एक रिंग की कीमत है 10,000 pounds, 10,000 pounds एक रिंग, इतना सा उसमें डायमंड है और रिंग की कीमत 10,000 pounds, और यार उससे तो कांच की है ना वो ज्यादा चमकती है, वो 5 pounds 10 pounds की है, वो ले लो ना, इसके 10,000 क्यों देगी, आपको पता नहीं है कि डायमंड क्या होता है।
और कांच का टुकड़ा क्या होता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते कि ये 10,000 की क्यों है और ये 10 pound की क्यों है, क्या चमक देख के हम फैसला कर रहे हैं। तो उन्होंने नान भाई के पास भेजा और नान भाई ने देखा वो पुरानी अंगूठी थी, तो उसको क्या मालूम कि इसमें डायमंड जो है वो की वही सही डायमंड है। उसने तो की रिंग को देखा, वो टेढ़ी है तो उसका कलर चला गया है, नहीं चाहिए, नहीं दो रोटी नहीं मिलेगी, वापस चला आया। हुजूर ने कहा खाना लाए, कहा हुजूर नान भाई ने मना कर दिया कि इस अंगूठी में दो रोटी भी नहीं मिल सकती, क्या कर। मैं तो वापस आया, कहा ठीक है चलो तुम सुनार के पास में जाओ, गोल्ड स्मिथ के पास में, उन लोगों को डायमंड को परखने का तरीका मिलता है। गया अगर अब बेचना नहीं, वो तो मैं तुझे बताना चाहता हूं कि धोखा नहीं खाना चाहिए सिर्फ देख करके, इसलिए मैं तुमको बताना चाहता, जाओ गोल्ड स्मिथ के पास, गए बेचना नहीं, अब वापस लिया। का ये अंगूठी है कितने में खरीदोगे, तो उसने देख के कहा कि ओ सॉरी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारी इस अंगूठी को मैं खरीद सकूं। नान भाई कहता दो रोटी नहीं मिलेगी, इस अंगूठी पर दो रोटी नहीं मिल सकती है। गोल्ड स्मिथ कहता है कि इतनी कीमती है कि मैं इसकी कीमत चुका नहीं सकता, माजरा क्या है कि एक आदमी दो रोटी देने को तैयार नहीं है और एक कह रहा है कि मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि मैं इसकी कीमत चुका सकूं। यही फर्क है कि भाई वो डायमंड है और ये कांच का टुकड़ा है, दोनों में फर्क समझो। ये दुनिया जो तुम देख रहे हो वो कांच का टुकड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं, अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर इसका दर्जा नहीं है। अगर होता तो अल्लाह काफिरों को खाने को नहीं देता, उन कैसे ही मार डालता, सजा के अंदर खाना पीना नहीं मिलता। ये कांच का टुकड़ा है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसके लेने के पीछे हम भाग रहे हैं और अल्लाह ने जो सही डायमंड रखा है कि जिसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो, और हम उसके पीछे उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे कि हमारा कुरान कितना कीमती है और हमारा इस्लाम कितना कीमती है। भूल गए हम, ये भूलने की वजह से धोखा आ रहा है, ये निकल गया दिमाग से। कीमत समझो कि इसकी कीमत क्या है, तो आप समझ सकोगे कि भाई ये कितना कीमती होता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अल्लाह ने हमारी भी कीमत बताई मगर हम भूल गए, हम भूल गए ना, तो हम लोग दुनिया के चंद टुकड़ों के ऊपर बिक गए। मैं गया काम करने के लिए, मुझे कहा कि भाई एक एक घंटे का 10 मिलेगा, ज्यादा जॉब है तो 14-15 मिलेगा, कोई और अच्छा जॉब है 20 मिलेगा, उससे अच्छा जॉब है 30 मिलेगा, उससे अच्छा जॉब है डॉक्टर वगैरह है वो 40 और 50 में मिल सकता है घंटे का, मगर उससे ज्यादा तो कोई कीमत नहीं लगाएगा ना, कोई कीमत नहीं लगाएगा। बस मैं कितना भी सीख ले जाऊं दुनिया में, मेरे एक घंटे की कीमत ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 pound बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं बनती है। चलो फुटबॉलर बन गया तो और ज्यादा, तो वीक के लाख लाख भी मिलियन मिलियन भी मिल सकते हैं, और इतनी कीमत उससे ज्यादा नहीं, तो भी वो धोखा खा सकता है, फिर भी फरेब है। मैं लाख पाउंड में अपने आप को फरोख्त करूं फिर भी फरेब है, मैं अपनी कीमत नहीं समझ सका। तो अल्लाह ने कुरान के जरिए से हमारी कीमत भी हमें बता दी। कुरान और इस्लाम तो अपनी जगह पर बेमिसाल है, मगर कुरान और इस्लाम से वाबस्ता होने की वजह से मेरी कीमत क्या है वो भी अल्लाह ने मुझे बताई, ताकि मैं दुनिया की मार्केट में जाकर के धोखा न खा जाऊं, दुनिया की मार्केट में जाकर के मैं फरेब न खा जाऊं। तो अल्लाह ने मेरी कीमत बताई कि सुन ए मुसलमान तेरी कीमत क्या है, दुनिया में फरोख मत करना, दुनिया में बेचना नहीं, वो नेमतें साथ में आने वाली नहीं, वो एक मिट्टी है, उसकी सूरत बदल दी गई है। मिट्टी को उठाता है नहीं उठाती है ना, मगर सूरत बदल दी गई, उसी मिट्टी को सोने की सूरत दे दी, ओ गोल्ड समझ करके हमने उठा लिया, उसी मिट्टी को सिल्वर की सूरत दे दी, ओ हमने मोहब्बत के साथ कीमती समझ के उठा लिया, सूरत बदली है मिट्टी, अंजाम सबका मिट्टी है, सूरतें बदली गई है, वो कोई कीमत की चीज है ही नहीं जिसके पीछे तू जाना चाहता है। इसलिए अल्लाह ने एक जानिब इस्लाम की कीमत बताई, दूसरे जानिब किताबुल्लाह की कीमत बताई, ताकि इन दोनों को हम छोड़ न सके दुनिया की वजह से, और तीसरी मेरी कीमत बताई ताकि मैं दुनिया में जाके अपने आप को खो न दूं और कम पैसों में अपने आप को बेच करके हलाक न कर दूं। तो अल्लाह ने मेरी भी कीमत बता दी। अब हम धोखा खा जाएंगे तो हमारा अपना जाती धोखा होगा, जिसे सुसाइड करना कहते हैं कि आप खुद मर रहे हैं,
आप खुद बनना चाहते हैं, वरना हर एतबार से हमने तुम्हारी गाइड कर दी थी। ये कुरान है, यही गाइड कर रहा है हमें, कीमत बता बता करके गाइड कर रहा है ताकि धोखा ना हो सके। क्या फरमा, इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। हुजूर ने जो दो मिसाल दी है ना, वो दोनों का जिक्र यहां है। इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों से खरीद लिया उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के एवज में। डीलिंग कर चुके हो, फैसला हो गया। तुमने जब कहा कि अल्लाह मैं मोमिन हूं, तो अल्लाह का ठीक है मोमिन है, मैं तेरे साथ में डीलिंग कर रहा हूं, क्या मेरी जन्नत तेरी और तू मेरा, और तू भी मेरा, तेरा माल भी मेरा। तो मेरे दीन को जरूरत आए तो तू तेरा माल कह के दीन को नुकसान मत पहुंचाना, दीन को जरूरत हो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, मेरा दीन टूट जाए और मैं अपनी दौलत पर बैठा रहूं। तो क्या मेरा दीन मेरे नजदीक कीमती था या मेरी दौलत कीमती थी कि जिस पर मैं बैठा रहा और अल्लाह के दीन को मैंने नुकसान पहुंचाना चाहा? नहीं, मेरे दीन को जरूरत होगी तो मैं अपने खजाने पर बैठा ना रहूंगा, अपने दीन को तरजीह देके अपने खजाने को अपने दीन पर निछावर कर दूंगा। मेरा दीन बचना चाहिए, दौलत तो आज है चली जाएगी कल आएगी, मगर मेरी दौलत पर बैठने से मेरे दीन का नुकसान होगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमा दिया, एक माल है अल्लाह ने तेरा खरीद लिया है, अब उसके दीन के पीछे लगाना, दीन को नुकसान हो ऐसा कोई फैसला मत करना। और दूसरा अल्लाह ने फरमाया, तुझे भी अल्लाह ने खरीद लिया है, लेकिन कीमत जानता है ना कितनी बड़ी है, जन्नत। ओ जन्नत, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया माफिया से बेहतर है, दुनिया माफिया से बेहतर है। मैं इतना कीमती हूं, मैं इतना कीमती हूं कि पूरी दुनिया मिलके मेरी कीमत लगा नहीं सकती है। किसी ने 5 लगाई, किसी ने 10 लगाई, किसी ने 40 लगाई, और ज्यादा खेलने वाला बना तो किसी ने लाख लाख और मिलियन लगाई, मगर फिर भी कम है। जन्नत तेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता, इसलिए कि वो रब का इनाम है, उसकी मालिकी रब की है, रब के सिवा ये इनाम का तकसीम करने वाला कोई नहीं है, और अल्लाह ने ये इनाम अहले ईमान तुम्हें तकसीम किया है। अब तू दुनिया में जाकर के अपनी कीमत इनकम सिक्कों के अंदर लगा के अपने आप को हलाक मत कर देना, वो तेरी एक जरूरत है, उन सिक्कों से अपनी जरूरत पूरी कर लेना, मगर उन सिक्कों के लिए इतना गाफिल मत हो जाना कि तेरा दीन तुझसे छूट जाए। तो अल्लाह ने मेरी भी कीमत बता दी, इस्लाम की भी बता दी, अपनी किताब की भी बता दी, ताकि हम कहीं भी धोखा ना खा सके। उसके बावजूद भी अगर हमें धोखा होता है तो हम खुद से धोखा खा रहे हैं और खुद से अपने आप को हलाक कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. We have been looking at the topic of reciting the Quran, the etiquettes of reciting the Quran, the benefits of memorizing the Quran, and also the importance of acting in accordance with the Quran. That alongside reciting the Quran and memorizing the Quran, it is important to also act in accordance with the Quran. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that when describing the worst of the people, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a wicked person and the one who is the worst among the people is the one who reads the book of Allah subhanahu wa ta'ala but is inattentive to it. He just simply reads it but does not think about it, doesn't understand it, and doesn't try to even act in accordance with it. This person is the worst of the people. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described the worst of the people as such, that it is the one who reads the Quran but is not attentive to it at all. So some more benefits of memorizing the Quran. We looked at some of the benefits yesterday of memorizing the Quran, and we looked at the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, where the parents will be made to wear a crown. So imagine the rank of a person who memorizes and acts upon the Quran. But some more benefits of memorizing the Quran, that a person who memorizes the Quran, he takes precedence over others in leading the prayer. So we know that a person who has more knowledge of the Quran, then this person has precedence over other people in leading the prayer.
that in the hadith, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that the people should be led in prayer by the one who has the most knowledge of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. This means in terms of recitation, in terms of knowing how to recite the Quran, as well as understanding the Quran. The knowledge of the Quran does not only mean memorizing the words of the Quran, it means also the understanding of the Quran. In addition to this, another benefit of a person who memorizes the Quran and learns the Quran is that he is placed in front of others if there is a common grave that is to be built for some reason, that people have to be buried in one place together, then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in the Battle of Uhud, when he was burying the martyrs, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was putting them in a single cloth, and he would ask out of the two, they would ask that who knows the Quran the most. And then when it was pointed out to him that this person knows the Quran the most, then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would put him into the lahad, into the grave first. This was like an honor for such a person. So a person who knows more of the Quran has this honor of being buried in this manner first in a common grave. So these are some of the ranks that a person has when he memorizes the Quran. By memorizing, we mean learning the actual verses of the Quran. It doesn't mean to memorize the entirety of the Quran. That not every single person is able to memorize the entirety of the Quran. So the point is that a person memorizes as much of the Quran as he can, especially memorizes as much of the Quran that is needed for him in particular, and to memorize more of it so that he gets this benefit. That as was mentioned yesterday in the hadith, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that in Jannah a person's rank will be elevated based on how many verses of the Quran he knows. So a hafiz will be able to have his rank elevated quite considerably, whereas another person who does not know as much will still have his rank elevated by knowing the verses of the Quran. So a person should memorize as much of the Quran as he can. But the most important part is to also act upon the Quran. It's not just about memorizing and reciting, it's also to act according to the Quran. So when a person reads the Quran and learns the Quran and tries to act in accordance with it, then a person will understand what Allah subhanahu wa ta'ala requires from a person. That the most important thing or the most important concept is to learn the Quran, which many people neglect. They don't learn the Quran or don't learn the understanding of the Quran. This is one of the things that people neglect, and this is the most important thing for a Muslim, to have this connection with the word of Allah subhanahu wa ta'ala. What is greater than the word of Allah subhanahu wa ta'ala? So if a person reads the Quran, he will learn many things with regards to what Allah subhanahu wa ta'ala requires from him. There are many themes in the Quran. If you read the translation of the Quran with the tafsir, there are many themes of the Quran. There are many books written also with regards to explaining the theme of the Quran itself. Now, one of the major themes of the Quran is Allah subhanahu wa ta'ala. God is one of the major themes in the Quran. It explains who is Allah subhanahu wa ta'ala, explains the concept of tawheed, oneness, that there are people who have who do polytheism or shirk, they associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. There are people who attribute children to Allah subhanahu wa ta'ala, like the Christians do. They attribute, they say that Sayyidina Isa alayhi salam is the son of Allah subhanahu wa ta'ala, which is completely incorrect, and the Quran completely refutes this. So the Quran refutes shirk, polytheism, and the key concept is tawheed. This is one of the major themes in the Quran, that it mentions many, many incidents. For example, in the time of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, where he broke all of the idols, and when the people came back from their festival and they looked at all of the idols were broken, then they asked that who did such a thing, and then he was asked to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, because he would constantly refute the concept of polytheism. They asked him, and Sayyidina Ibrahim alayhi salam said to them that, why do you not ask this chief of yours, the idols, the biggest of the idols, why do you ask him that who broke these idols? Maybe he did it. So ask him if he can speak. So the concept of polytheism is refuted in the Quran constantly, which also leads to the next theme of the Quran, which is the prophets. The prophets is another theme of the Quran, that who were the prophets and what were they like, what were some of their attributes and qualities, and what was their main aim and mission. And their main aim and mission links to the first theme of the Quran, which is Tawheed, that all of the prophets came, as the Quran mentions, that every single prophet came, and what their mission was or what their task was is to talk about or explain to the people the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. As
shirk had began to spread and people started to worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. So prophets were sent as a form of guidance to refute this concept of polytheism and bring people back to monotheism, believing in Allah subhanahu wa ta'ala and not believing in any of the idols. And the prophets are a major theme in the Quran, because the prophets are also sent for this mission of tawheed, to propagate the monotheism or the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is another major theme of the Quran. Another major theme of the Quran is talks about the concept of evil and shayateen, or shaitan specifically, that how shaitan disobeyed the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and because of rejecting the command of Allah subhanahu wa ta'ala when he was told to prostrate to Sayyidina Adam alayhi salam, even though he was not an angel, and the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran is to the angels. But the scholars mentioned with regards to this that the command was also to shaitan, because of the fact that he was among the teachers of the angels at the time. He was a person who had extreme amounts of knowledge, and he was a person who was extremely pious at the time, and therefore he was a teacher of the angels. And because he was in the heavens at the time, in the sense of teaching the angels, he was a teacher of the angels, the command was also to him to prostrate to Sayyidina Adam alayhi salam. But he did not do so, and we know the famous incident that he did not do so, and he rejected the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore Allah subhanahu wa ta'ala rejected him from his court. And his the reason why he rejected prostrating to Sayyidina Adam alayhi salam was because of arrogance, that he felt that he was better than Sayyidina Adam alayhi salam. So the Quran describes him as an enemy to the believers, where the Quran says that do not follow in the footsteps of shaitan. Indeed, he's an open enemy. It's not that he is a hidden enemy, he's an open enemy. And he has claimed to be an open enemy, so be wary of this. So this is another concept of evil and shaitan. This is a key or major theme of the Quran. And another major theme of the Quran is the hereafter, the akhirah, that Allah subhanahu wa ta'ala informs us of how the hereafter is better than this world, and that the disbelievers will not have any share in the hereafter because they have not bought faith in Allah subhanahu wa ta'ala. So they have no share in the hereafter, that the hereafter is reserved for the believers. So this is another theme of the Quran, of the hereafter, that every single thing leads to the hereafter, that a person is in this world to build his hereafter and to gain salvation in the hereafter. It's another major theme or concept of the Quran, and all of these things link together. That if you read the concepts of the Quran, the themes of the Quran, they all link together, and you'll see how they have, there is a chain that is constantly leading, that the Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets as a form of guidance in order to guide us to the hereafter. There's a constant theme in the Quran. If a person understands these themes and tries to look into them properly, then this is supposed to give a person a spiritual awakening or spiritual elevation, especially when a person studies the Quran properly. The Quran says with regards to believers that Allah subhanahu wa ta'ala has purchased from the Muslims their lives and their wealth in exchange for paradise. That you, when you become a Muslim, then Allah subhanahu wa ta'ala has purchased your life, has purchased your wealth in exchange for Jannah. That you will get Jannah in exchange for this iman of yours. So Allah subhanahu wa ta'ala says that who fulfills the promise better than Allah subhanahu wa ta'ala? Therefore, you should rejoice upon this deal. This is a deal, it's a transaction with Allah subhanahu wa ta'ala that you have made with Allah subhanahu wa ta'ala. It's a promise, and Allah always fulfills His promise, and this is a great success. That if a person becomes a mu'min and acts upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam to the best of his ability, then this is great success for him in the hereafter. So these are some of the key themes in the Quran. And when a person reads the Quran, he notices these key themes. And in addition to this, there is supposed to be a change. That if a person understands these themes, then what is the purpose of understanding these themes? It's not just about understanding them. There must be a purpose, or there must be something that results from learning these themes and understanding them. And it's supposed to bring a change into a person. So what change is it supposed to bring? It's supposed to bring this spiritual elevation or spiritual awakening in a person, because the Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It's meant as a guide. And therefore, any person who reads it sincerely, then it will be a spiritual awakening for this person. It's supposed to build certain characteristics within a person. For example, the key characteristics, if a person analyzes the key characteristics that are discussed in the Quran, and as mentioned by the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala in particular, because they have this special spiritual unveiling where they can notice things more than others with regards to the concepts of the Quran, that they mention with regards to these things, that it's supposed to build piety in a person. Taqwa is one of the main things that it's supposed to build in a person. Fearing Allah subhanahu wa ta'ala,
Another concept is renouncing the world, which is referred to as zuhd, meaning renouncing as much of the world as possible and focusing as much as possible on the hereafter. Another concept, or another thing it's supposed to build in a person is the balance of fear and hope, the hope in Allah subhanahu wa ta'ala, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as the hope in Allah subhanahu wa ta'ala, which reminds me of an incident of Sayyidina Umar radiallahu anhu, who discussed this balance, that he said that if on Yawmul Qiyamah a person was to call and say that there is only one person who is going to Jahannam, then I would have fear that this person is me. And if there was a caller that said that there is only one person that is going to Jannah, then I would have hope that this is me. So it's a balance between fear and hope, that a believer should have fear in Allah subhanahu wa ta'ala, as well as hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and should have a balanced approach. Another thing, or another concept that it's supposed to build in a person is humility and modesty. If you look at the incident of Shaitan, the whole incident revolves around arrogance. And therefore it's contrary to humility and modesty. So the Quran teaches about being humble and modest in everything that a person does. Another concept is removing jealousy and envy. Hasad, having envy for other people, jealousy for other people. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam described these things to the diseases of the heart, and that these things, they eat the good deeds, meaning they completely destroy a person's good deeds if a person has this jealousy, envy, and showing off to other people. These are diseases and of the heart. Another concept is backbiting, which is also referred to in the Quran as like eating the flesh of your brother. As mentioned in the Quran, that would a person like to eat the flesh of his brother. So backbiting is also a concept that is discussed in the Quran. And when a person reads the Quran, it's supposed to give him this spiritual awakening and to make him understand that backbiting is something that is frowned upon, especially in Islam, and it's one of the spiritual diseases of the heart. Another thing, another concept of the Quran is about being content with what Allah subhanahu wa ta'ala has given you, that rather than looking at people who are above you in terms of financial means, look at people who are below you and be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, which is also another theme in the Quran, another concept in the Quran of gratitude. That having this gratitude and being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, even if you have less, be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Another concept which relates again is trusting Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul, having trust in Allah subhanahu wa ta'ala. This is another key concept of the Quran. And another concept is patience. That if a person is going through something, then he should have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and he should also be patient. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala is with those who are patient. So if a person analyzes the Quran and reads the Quran, then he will notice these key themes. When he learns these key themes, then it's supposed to have this spiritual awakening in a person, and this is supposed to build these concepts in a person of piety, renouncing the world, having fear, having hope, and the balance of these things, having humility, modesty. All of these things will arise in a person as a result of understanding and learning the key themes of the Quran. So it's important for every single Muslim to study the Quran as much as possible and to learn these themes and to understand what the Quran requires from us. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam.